आज हम बनस्पति चावल बनाने जा रहे हैं। मैंने ये एक कटोरी बनस्पति चावल लिए थे, ये मैंने 2-3 बार धो लिए और फिर के ना मैंने आध घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। और ये एक चम्मच देसी घी और ये दालचीनी और एक बड़ी इलायची और 3-4 लौंग है और 5-6 काली मिर्च और ये एक छोटी चम्मच नमक है और ये मैंने एक छोटी चम्मच जीरा लिया है, ये एक नींबू लिया है। चाहे आप कुकर में बना लो चाहे पतीले में बना लो। एवं देसी घी डाल देंगे इसके अंदर, घी मेल्ट हो गया, अब इसमें हम जीरा डाल देंगे। इसमें हम मसाले डाल दें खड़े, इन्हें थोड़ा सा भून लें। खुशबू देख कितनी अच्छी आवे। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। दो 3 मिनट ने ऐसे भून लिया हाँ। नींबू का रस निचोड़ लिया। दो मिनट होगी चावल भुनता ना। एवं हमने एक कटोरी यह ली थी चावल की, तो 1-2 कटोरी पानी डालेंगे इसमें। अब इसमें नमक डाल दें, नींबू का रस। इसका चावल का कलर तो छावेगा, साथ में स्वाद भी लगेंगे एकदम बढ़िया। अब इसकी हम 2 सीटी लगवा दें। या दूसरी सिटी हम इंडक्शन में बंद कर दिया हम। हम एक बार चावल चेक करके देख लें। ये देखो हमारे चावल बनकर तैयार हो गए, बिल्कुल खिले खिले बने हैं और हमने अपनी प्लेट में सजा भी लिए हैं। अरे मैंने दाल मखनी बनाई थी इनके साथ, इसकी वीडियो मैं फिर डालूँगी। अरे ये देखो बनकर बिल्कुल एकदम खिले खिले हैं मेरे चावल, बिल्कुल इतने अच्छे बने हैं। आप भी बनाओ और खाओ।